So guys, finally we reached over here in Salesian College for our exams. Now their documentation is going on. This is our girls here. Beautiful girls over here. देख सकते हो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे वेपन ट्रेनिंग का प्रैक्टिकल के लिए। सर अभी तक आए हुए नहीं हैं, अब उनका ही इंतज़ार है। तब तक हम थोड़ा बुक पढ़ लेते हैं इन लोग के साथ। अभी हम लोग अपना वेपन ट्रेनिंग और FCBC का वाइवा दे के आए एंड इवन प्रैक्टिकल दे के आए एंड इट वेंट वेरी गुड। लाइक वेपन ट्रेनिंग में भी बहुत इजी सवाल किए मेरे को, नॉट इजी, बहुत सारे क्वेश्चन किए बिकॉज एट दैट टाइम CO भी प्रेजेंट थे वहाँ पे, फाइव बंगाल के CO, सो ही आस्क्ड आउट सो मैनी क्वेश्चन टू मी। तो मैंने सारा क्वेश्चन का आंसर दिया, लाइक हाउ वी डू फायरिंग, कैसे करते हैं, क्या क्या ध्यान में रखा जाता है, कल ये सब हुआ। उसके बाद FCBC में गई, सर आस्क्ड आउट, लाइक सर तो मुझे जानते ही हैं, उन्होंने मुझे बोला कि तुम तो पिछले गेम में कैम सीनियर थी एंड यू वेर सच अ गुड गर्ल, सो मैं तुमको एक इजी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि लाइक वो क्या बोलते हैं, फील सिग्नल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बोला कितने प्रकार से दिया जाता है, मैंने बोला तीन प्रकार से दिया जाता है, विद वेपन्स, विद आर्म्स एंड विद विसल। तो उन्होंने बोला गुड, सो दैट्स ऑल ही आस्क्ड मी एंड आई एम सो हैप्पी दैट इट वेंट सो गुड। इवन माई वेपन ट्रेनिंग एंड इवन माई एक्टिविटी दोज टू वेंट वेरी गुड। नाउ हम लोग का ड्रिल का है एंड आई एम श्योर दैट इट विल बी गुड। अभी मैंने बता दिया मेरे एक दोस्त को, वो वीडियो बना देगा, आई विल बी शोइंग यू कि कैसा जाता है हम लोग का ड्रिल। एंड पीछे देख ही सकते हो हमारे दोस्त लोग सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने ड्रिल का एंड यहाँ मुझे टाइम मिला तो मैं यहाँ पे ब्लॉग बनाने लग गई हूँ। सो मिलते हैं तब तक के लिए, टिल देन बाय। नाउ दे आर प्रैक्टिसिंग देयर ड्रिल, सो ये बड़ी सावधान, सामने से तेज चल, थम। सो गाइस हम लोग का अभी ड्रिल टेस्ट भी हो चुका है, कैसा गया आपका? बहुत अच्छा, जितना नहीं सोचा था उससे ज्यादा अच्छा। ओके, और आपका? आपका अभी भी सदमा नहीं गया इनका। आपका बताओ, आपका कैसा गया? इट वाज गुड। नाउ वी आर गोइंग फॉर आवर रिटन एग्जाम, क्योंकि टाइम हो चुकी है, अभी सब लोग जा रहे हैं। सो फाइनली द एग्जाम हैज बीन एंडेड, देखो सब लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। हेलो, और यहाँ पे कुछ लोग खा रहे हैं, फाइनली इनको खाने को भी मिल गया है। चलो बताओ कैसा गया आपका एग्जाम, आपका कैसा गया एग्जाम? हाँ, एकदम क्यों 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 प्रैक्टिकल्स और आप लोग का सब कुछ ठीक ठाक, मतलब उतना अच्छा भी नहीं उतना बुरा भी नहीं। ओके, और आपका? मेरा भी ठीक ठाक, ठीक ठाक भी नहीं बुरा। सो गाइस आफ्टर गिविंग एग्जाम्स हम पहुंच गए अपने रेस्ट टू
अभी वो देने वाले हैं हम लोग। सो गाइस जस्ट वी एंडेड अप विद द प्रैक्टिकल ऑफ आवर मैप रीडिंग, सो नाउ वी विल बी हैविंग आवर कम्युनिकेशन प्रैक्टिकल। सो यही हम लोग का लास्ट है, इसके बाद हम लोग जाने वाले अपने घर। देख लो सब लोग हंस रहे हैं, यहाँ इतनी खुशी है इनके चेहरे में। नहीं खुशी नहीं है, तुम दुखी हो? दुखी क्यों हो तुम बताओ? जल्दी जल्दी जाना है। तुम इतने मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुरा रहे ऐसे ही। पीछे वाली भी यह हो रहा है हम लोग का कम्युनिकेशन का वाइबा, इतना टाइम लगा दिया। देख सकते हो इनका चेहरा पूरा मुरझा गया है। नहीं हम तो बहुत खिले। आप कुछ बताना चाहोगे? मुझे घर जाना। मुझे घर जाना। उन्हें माइग्रेन हुआ है फिलहाल, तो आप इधर सामने से क्यों ले रहे? आप चाहते हैं मैं थोड़ी लीजिए लीजिए। हाँ हाँ मैं वही चाहती हूँ। आप चाहते हैं बुरी दिखे? हाँ मैं तो वही चाहती हूँ। कितना टाइम लगा रहे यार। ओ गाइस वी हैव एंडेड अप विद द ऑल द एग्जाम्स ऑफ आवर सी सर्टिफिकेट। आप देख सकते हो फोटो सेशन चल रही है हर तरफ चारों तरफ, एंड आई एम जस्ट इन द फील ऑफ दिस नेचर अराउंड मी। मैं पहुंच गई हूँ अपने बाइक के यहाँ पे, अब जाने वाली हूँ मैं घर की तरफ। इतना ही है मेरा आज का व्लॉग अबाउट आवर सी एग्ज़ाम। होप यू एंजॉयड इट, एंड आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल दैट दिस इज़ द लास्ट ईयर ऑफ आवर NCC, एंड सॉरी फॉर नॉट बीइंग अपडेटेड थ्रू आउट दिस मंथ्स। कुछ दिन पहले ही मैं कैंप गई हुई थी चोपड़ा कॉलेज में, सो आई मेड व्लॉग ओवर देयर और सारी वीडियोस डिलीट हो गई वहाँ से। सो एज आई थॉट दैट थोड़ा सा अपडेट दूंगी आप लोग की क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और वीडियो डिलीट हो गई सो मैं और अपडेट नहीं कर पाई आप लोग को। तो सोचा कि अभी तो हम लोग का लास्ट सी एग्ज़ाम है, सो आई विल बी मेकिंग वीडियो ऑफ इट एंड आप लोग को थोड़ा अपडेट देती रहूँगी। तो यही है आज का वीडियो और हमारा सी सर्टिफिकेट लास्ट एग्ज़ाम। तो बाय बाय सॉल्यूशन कॉलेज।